इमाम जमान सरकार आली वकार नूरे खुदा विन बरहक अलहादी वल महदी साहिबुल अस नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम के मुबारक इसम ग्रामी पर सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कुरान मजीद में खुदावंद ताला फरमाते हैं कि कायनात की किसी भी चीज को हमने अवस पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया। जाहिर है कि जो चीज बेकार नहीं है वो कुछ न कुछ काम आती होगी, और इंसान अगर कायनात की चीजों पर गौर व फिक्र करे तो उसको मालूम होगा कि हर एक चीज में हमारे लिए कुछ न कुछ हिदायत है, हमारे लिए कुछ न कुछ मकसद पाया जाता है। हम समंदर के किनारे पर अक्सर जाते हैं, समंदर की मोजों को हमने उछड़ते हुए भी देखा है, लेकिन एक इंसान अगर उस मोजों के ऊपर कभी गौर व फिक्र करे तो इसको मालूम होता है कि ये मोजें क्या क्या काम अंजाम देती हैं। वो किनारे के ऊपर छोटे छोटे कचरे के सूरत में काफी ऐसे चीजें पड़ी हुई होती हैं। हम देखते हैं कि जब वो मोजे जोरों पर आ जाती हैं, तो समंदर के किनारे की तमाम वो चीजें वो कचरे अपने साथ बहाकर ले जाती है। अगर वहां कोई इंसान भी है और वो सही तरह से नहीं बैठा है या अपने आप पर उसका काबू नहीं है, तो हम अक्सर अखबारात में पढ़ते हैं कि ऐसे इंसानों को भी वो अपने साथ बहाकर तय तक ले जाते हैं। अगर वहां पौधे हैं या दरख्त है तो उसकी बुनियाद को भी वो हिला देती हैं। लेकिन यही समंदर की मोजें जब किसी मजबूत पहाड़ के साथ टकराती है तो उस वक्त वो खुद बिखर जाती है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाती है, लेकिन पहाड़ को नहीं तोड़ सकती, न अपने साथ बहाकर वो वापस ले जा सकती है। मजहब में बिल्कुल इसी तरह हुआ करता है, और खास तौर पे हमारे मजहब में, हमारे इस्माइली मजहब में अक्सर ऐसे लोग हैं जो हमारे मजहब की तरफ सवालात फरमाते हैं, सवालात उठाते हैं हमको तंग करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि हमारे ईमान के ऊपर वो हमला करते हैं। अब हम अपने आप को उस चीज के साथ रख सकते हैं कि आया हम समंदर के किनारे पर रहने वाले कचरे हैं या दरख्त हैं या फिर पहाड़ है, हम कौन सी चीज है? क्यों जमाने की हवा हमको हिला देती है? हमारे ईमान के ऊपर जमाने की हवा, जमाने के सवालात, ये जमाने के समंदर की मौजें हमला क्यों करती है? इसलिए कि हम कमजोर हैं। अगर हम में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ताकतवर नहीं है, वो कचरे की मानन है, थोड़े से हवालात होते हैं, थोड़े से सवाल उठते हैं, बह जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मजहब में भी रहते हैं लेकिन फिर भी इनके जहन में ये बातें उठती है कि छोड़ो, हमारा मजहब तो पैसे वालों का मजहब है, हमारे लिए मजहब में कोई मकाम नहीं। खुद हमारे नौजवान हमें सवालात करते हैं, खुद हमारी जमात हमको सवालात करती है कि भाई जमात खाने में हम पैर रखते हैं, पैर रखने के साथ हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, हम इमाम के फरामीन को उठाएं, हम हमारे दाइयों की किताबों को उठाएं, हम गिनानों को उठाएं, कौन सी ऐसी जगह है कि जहां हमें ये चीज मिलती है कि हमारा मजहब पैसे का मजहब है? इमाम ने कभी हमें ये फरमाया है? इमाम के फरामीन पर हम गौर करें कि इमाम क्या चाहते हैं। हमारे मजहबी नाइट स्कूल के जो असातजा है वो कौन से पैसे देते हैं इमाम को? जो हमारे बच्चों को रूहानी तालीम देते हैं वो कौन से पैसे देते हैं?
लेकिन इसके बावजूद इमाम इनको फरमाते हैं कि मेरे हकीकी लीडर हैं ये। एक जगह पर इमाम ने फरमाया कि ये मेरे हकीकी वजीर है। इससे बड़ा कोई टाइटल? हमारे और खिदमत गुजार है, कौन से पैसे रखते हैं, बड़े में बड़ी कुर्बानी सिर्फ पैसे से नहीं होती। हमने पैगंबरों की तारीख पढ़ी है कि पैगंबरों ने किन किन चीजों से मजहब में कुर्बानी दी है, पीरों ने हमें कितनी अच्छी चीजें दी है मजहब के लिए, जिसका जिक्र मौलाना हजर इमाम ने फरमाया कि हमारे मजहब की जो रसूमात है वो हमारे मजहब की बैकबोन है, रेड़ की हड्डी की मानन है। एक सही माना में मजहब पर अमल करने वाला इंसान सच्ची कुर्बानी इमाम के हुजूर में पेश करता है। जितने भी हमारे अमल है, मजहबी रसूमात है, इस एक एक अमल को उठाकर हम देखें, वो हर एक अमल के पीछे कुर्बानी छुपी हुई है, कुर्बानी की हकीकत समोई हुई है। पीर ने गिलान के अंदर फरमाया है कि है जिंदा कैता हस्ती नुदान, कायम पाया कैता दान तुरिन। सच्चे दिल के साथ अगर हमने इमाम के वजूद को मंजूर किया है, तस्लीम किया है, माना है, जमात खाने में कदम रखने के साथ सही दिल की आवाज के साथ हमने है जिंदा कहा, पीर फरमाते हैं कि तुमने एक हाथी की कुर्बानी की, इतना तुमको सवाब मिलता है। कहां गए हमारे 500 रुपए? कहां गए हमारे 5000 रुपए? एक हाथी हमको 500 रुपए में कोई देता है? पीर ने इसका फलसफा हमको बताया और जो इसको जवाब देता है कायम पाया, पीर फरमाते हैं कि कायम पाया कहता दान तुरिन, उसको घोड़े की कुर्बानी जितना दान मिलता है सवाब मिलता है। कहां गए यहां पर पैसे? इमाम ने 48वें जामे में एक जगह पर जिक्र फरमाया है कि तुम्हारे पास दौलत नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दौलत नहीं तो कोई बात नहीं, अगर खिदमत का सही जज्बा है तुम्हारे दिल में तो तुम बहुत बड़े दौलतमंद हो। खिदमत कौन कर सकता है? मैं कभी किसी का काम करूंगी? क्यों करूंगी? मेरे दिल में इसके लिए कोई लगाव होगा, मेरे दिल में इसके लिए कोई इश्क होगा, तब जाके मैं किसी का काम कर सकूंगी। मजहब दिल की हुजूरी के बगैर कुछ भी नहीं। चाहे हम लाख रुपया दें, लेकिन अगर हमारा दिल उस लाख रुपये के साथ नहीं झुकता, हमने इमाम को कुछ भी नहीं दिया। वो मोमिन अच्छा है जो सही दिल के साथ आता है। सबसे बड़ी कुर्बानी दुनिया में क्या है? अपनी खुदी को खत्म करना। पीरों ने हमें छोटी छोटी रसूमात जो हमारी नजरों में छोटी है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत बड़ी अहमियत है। एक इंसान दूसरे के सामने हाथ जोड़कर कब खड़ा रहता है? जब अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है। ये इसकी खुदी की कुर्बानी है, ये अपने आप की कुर्बानी है, अपने दिल की कुर्बानी है कि जिससे बड़ी कुर्बानी दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, और कोई भी नहीं कर सकता। हमारा छाटा डलाना, हमारा मुखी के पास हाथ जोड़कर खड़े रहना, ये सब क्या है? हमारे अपने आप की, हमारी खुदी की कुर्बानी है जो हम हकीकी माना में देते हैं। पीर ने गिनान के अंदर फरमाया कि सब जुग देखिया निर्धना, धनवंत न देखिया कोई। पूरी दुनिया घूमे, पीर को कोई भी दौलतमंद नजर नहीं आया। धनवंत ताको आखिए जेनी प्रीत प्यासु होए। दौलतमंद तो वो है कि जिसका इश्क इमाम के साथ में है। 1950 या 1951 की बात है। जो बुजुर्ग यहाँ पाकिस्तान में रहते थे उनको मालूम होगा कि आगा खान पार्क में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद अब 5-12 साल की मेहमानी में तशरीफ लाए। उस वक्त इमाम ने दरियाफ्त किया कि लोगों की आमदनी क्या है।
50 और 51 का जमाना था। तब लोगों ने बताया कि सालाना 800 रुपया है, किसी ने 1000 बताया, किसी ने 1200, 1500 और 2000 तक बताया। इमाम बहुत खुश हुए क्योंकि उस जमाने में इतनी आमदनी होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इमाम ने फरमाया कि देखो, हम इसमें बढ़ाते नहीं है, जो हमारे दादा जान ने मुकर्रर की है बस वो ही रकम। अगर तुम्हारा इश्क है तो सब कुछ है, अगर तुम्हारा इश्क है, इमाम ने फरमाया, तो हम ये काम कबूल करेंगे, बस वही साल के 100 रुपया। जरा हम बैठ कर सोचे, इमाम ने फरमाया कि वही जो हमारे दादा जान ने रखा था इस मजलिस के लिए कि एक साल की कमाई में से 100 रुपया तुम बचाओ, और इस तरह 5 साल की कमाई का 500 रुपया बचाकर इमाम के हुजूर में रखो, तुमको बिल्कुल वही सवाब मिलेगा जो इमामों के जमाने में मुरीदों को मिला करता था, जैसे मुरीद लड़ाई में जाते थे और मुख्तलिफ तरह से इमाम की खिदमत अंजाम देते थे। मौला ने फरमाया कि हमारे दादा जान की तरह वही रकम हम रखते हैं। ये 500 रुपया हमें रोजाना तो इमाम को नहीं देना है, ये 5-12 साल या लाइफ डेडिकेशन के हमको मेंबर बनना है, तो ये कुछ रोजाना का इमाम के हुजूर में नहीं देना है। जरा बैठ कर हम सोचे कि 100 रुपया साल का महीने का कितना होता है, 8.25 रुपया जितना होता है। इमाम ने 48वें जामे में खुलासा किया था, हम ज्यादा नहीं देते। और अगर इसी चीज के ऊपर हम रहे तो हमारे ईमान का खत्म होने का बहुत बड़ा खतरा है। अगर लोगों के इसी एतराजात के अंदर हम रहेंगे तो हमारे ईमान का खत्म होने का बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए है। हम कुछ ज्यादा इमाम को नहीं देते, ये इमाम की मेहरबानी है कि इमाम बिल्कुल वही चीजें हमारे लिए कबूल फरमाते हैं जो 1300 साल पहले मुसलमानों की कबूल फरमाई जाती थी। इमाम ने यहाँ ये चीज फरमाई कि बस तुम्हारा इश्क होना चाहिए। हम क्या देते हैं इमाम को, हमें दूसरों को नहीं देखना है कि दूसरे इमाम के लिए क्या करते हैं, हमें अपनी तरफ देखना है कि हम मजहब में कितनी हद तक पाबंद है, हम मजहब के रसूमात में कहां तक अमल करते हैं, हम हमारे इमाम को क्या समझते हैं, हम हमारे इमाम को क्या देते हैं। अपनी तरफ, अपने गिरेबान की तरफ झांक कर हमको देखना है, दूसरे मोमिन की तरफ नहीं देखना है, चाहे वो किसी भी मंडली के मेंबर क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने दिल की तरफ जाना है कि मेरा दिल कहां तक सच्चा है, मेरे दिल में कहां तक इमाम का इश्क है। 9 हिजरी में जब जंगे तबूक का ऐलान किया गया, उस वक्त मुसलमान चंदा लेकर आए और काफी ऐसे बड़े बड़े अस्हाब थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये समझते थे कि दूसरे से मेरी चीज बढ़ जाए रसूल की हुजूर में। और इस तरह हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान और हजरत उमर काफी चीजें लाए। हजरत उस्मान ने 1000 दिरहम चांदी की दिए, इसके साथ 900 ऊंट, इसके साथ लड़ाई के दूसरे सामान और सामान बांधने की रस्सियां तक दी। हजरत उमर ने अपना तमाम माल 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा माल अपने घर के लिए छोड़ा, आधा माल वो जंगे तबूक के चंदे के लिए ले गए। हजरत अबू बकर अपने तमाम माल और असबाब रसूल के हुजूर में लेकर आए, सिर्फ अपने पहनने के लिए कुछ कपड़े बाकी रखे। इस तरह की चीजें लेकर आए थे। एक शख्स जो मजदूर था, पूरी रात मजदूरी किया, वो भी चाहता था कि इस लड़ाई के चंदे में मेरा भी कुछ हिस्सा हो, क्योंकि मुझे रसूल की कुछ दुआएं मिल जाए, मेरी जिंदगी अमर बन जाए, वो भी चाहता था। मेहनत मजदूरी करके 4 सेर खजूर उसको मिली, 2 सेर अपने घर वालों को दी, 2 सेर खजूर वो एक छोटी सी थैली में उठाकर लेकर आया, बहुत खुश था। उसके हाथ देखे छाले पड़े हुए थे मजदूरी करके, लेकिन दिल के अंदर ये चीज थी कि मेरे रसूल के लिए मैं कुछ चीजें लेकर जाऊं।
जब वहां पर पहुंचा तो वो हैरान हो गया, देखता है कि इतनी सारी चीजें और इतनी बड़ी बड़ी चीजों के साथ ये मेरी दो सिर खजूर कैसे लगेगी, और ये लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। उसने देखा कि लोगों की नजरें चुकाकर किसी एक जगह पर जाके मैं ये डाल दूं, क्योंकि रसूल की दुआ का हकदार मैं बन जाऊं। छुप छुप कर किसी एक जगह पर वो गया, इसके कानों में रसूल सल्लम की आवाज आई, आपने इसको बुलाया, क्या लाया है? खजूरे लाया हूं। रसूल सल्लम ने फरमाया कि देखो, खुदा के नजदीक ये बहुत पसंदीदा है। इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, खुदा के नजदीक बड़ा वो है जो परहेजगार है। खुदा के पास तुम्हारे खून नहीं पहुंचते, तुम्हारे गोश्त नहीं पहुंचते, लेकिन खुदा के पास तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है, तुम्हारा दिल पहुंचता है। खुदा तो दिल देखे, ना देखे सूरत और लिबास। अतलस पहना तो क्या हुआ, क्या हुआ जो पहना किनो खाब। कितनी जगह पर खुलासा है, दिल दिया तेरे सर्वे कुछ दिया। जिसने अपना दिल दे दिया उसके पास बाकी क्या रहता है देने के लिए। रसूल ने फरमाया देखो, ये खुदा के नजदीक बहुत पसंदीदा चीजें हैं, इसको तमाम सामान के ऊपर रखी जाए। और रसूल ने खास दुआएं उस मजदूर शख्स को दी। कहां गई पूरे घर की दौलत और कहां दो सिर खजूरे? इमाम हमारे दिल को देखते हैं। 48वें जामे में इमाम ने हमको फरमाया कि हम तुम्हारे पास तुम्हारा माल नहीं मांगते, हम तुम्हारे पास तुम्हारी औलाद नहीं मांगते, लेकिन इमाम ने फरमाया कि हम तुम्हारे पास तुम्हारा दिल मांगते हैं, हमारी परहेजगारी और हमारा दिल खुदा के हुजूर में कबूल होता है। बड़ी बड़ी चीजें हम कुछ भी दे और न हमें कभी मायूस होना है कि हम इस चीज में नहीं है। हमारा दिल हमको गवाह देता है कि हम मजहब पर बराबर अमल पैरा हैं, हम इमाम के फरमान के बाहर नहीं जाते हैं। तो दिनदारों, उस मोमिन से बड़ा कुर्बानी करने वाला दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है। दाए नासिर खुसरू अपनी किताब में एक जगह अपने अशार में इशारा करते हुए फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे हाजी थे जो हज करके वापस आए। मेरा भी एक दोस्त अंदर था और मैंने सोचा कि चलो मैं उससे कुछ हज के हालत तो पूछूं कि वहां क्या क्या किया। वहां जो कुछ भी रसूमात होती थी वो तमाम के लिए सवालात किए कि तूने ये किया था, वो किया था, इस रस्म करते वक्त तेरे दिल को तूने कितनी हद तक साफ किया था, अब जब तू वहां से हज करके वापस आया है तो तेरे दिल में काबा के लिए, इसकी जुदाई के लिए कोई मोहब्बत बची है भी या नहीं? वो हैरान हो गया, समझा नहीं कि क्या पूछते हैं। उसने बताया कि अब दूसरी मर्तबा जब तू जा तो मैंने जो जो चीजों पर तुझे सवालात किए हैं उसके ऊपर पहले गौर और फिक्र करना। एक वो मुसलमान जो इसी जगह पर बैठकर और खुदावन ताला के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाता है, उस हाजी से कई गुना बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह एक सच्चा इस्माइली जो इमाम जमान की हकीकत को पहुंचता है, सही माना में इमाम को समझता है, इमाम के ऊपर अपना इश्क और ईमान को मजबूत रखता है, वो हर एक इस्माइली से आला है। वो सही माना में अपने आप को कुर्बानी देते हैं जो हमारे पैगंबरों ने दी थी। हमारे पैगंबरों के जिस्म को सड़ाया गया था, अय्यूब पैगंबर के जिस्म में कीड़े पड़े थे, खुदावन ताला ने सब कुछ उसके पास से परख डालकर ले लिया था, कुछ भी नहीं बचता था, लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज इनके पास बची थी, वो था इनका इश्क जो खुदा की जात के ऊपर था, जो उन्होंने आखिरी दम तक नहीं छोड़ा। वो तस्बीह निकालते थे, वो इबादत बंदगी करते थे। आज अगर हम सुबह उठकर आते हैं, दिल दिया तेने सर्वे कुछ दिया, अहोनिश जागो मारा वीर, ये सुबह की हमारी कुर्बानी वो भी कबूल होती है इमाम के हुजूर में, क्योंकि ये नींद की कुर्बानी है, ये हमारी इबादत बंदगी ये नींद की कुर्बानी है। और मजहब की इसी तरह की दूसरी तमाम चीजें, ये वक्त देना, जमात के मुख्तलिफ इदारों में खिदमत करना, ये हमारी कुर्बानी है।
और इसी से हमारी रूहानी तरक्की होती है। मौलाना हाजर इमाम गज जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गज जमात का ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे, गज जमात को इबादत बंदगी करने की आला हिम्मत दे, हकीकती समझ अता करे, अपना नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।